दिल्ली विच देर रात नूं मोटरसाइकलां ते सवार नौजवानां वल्लों स्टंट मारन दी खेड उस समय दर्दनाक बन गई जदों पुलिस दी गोली नाल इक नौजवान हलाक हो गया जदों कि एक होर जख्मी हो गया। पुलिस दा कहना है कि यह नौजवान हंगामा कर रहे सन ते मोटरसाइकलां ते खतरनाक स्टंट कर रहे सन। जद उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश की गई तां उन्हां पुलिस ते पथराव किया। इस ते पुलिस वालों गोली चलाई गई जिस विच एक नौजवान मारिया गया ते उस पिछे बैठा दूजा नौजवान जख्मी हो गया। दोहां नूं तुरंत हस्पताल ले जाया गया जिथे एक मृतक ऐलान दिता गया जदके दूजे की हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह नौजवान पहला भी देर रात नूं गुटां विच सड़कां उत्ते उतर के हंगामा करते रहते हैं। पुलिस मुताबक टायर नूं निशाना बना के गोली मारी गई सी पर यह नौजवान नूं जा लगी। मध्यरात्रि 2:06 पे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज मिला कि 35 से 40 बाइकर्स गोल डाकखाने के पास स्टंट कर रहे हैं। जब हमारी पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंची तो तब तक वो विंडसर पैलेस अपोजिट मैरिडन होटल तक पहुंच चुके थे जहां पे पीसीआर की गाड़ी ने लगभग 150 बाइकर्स को वहां पर देखा। उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया जिसमें पीसीआर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। और जब एक बाइकर के ऊपर टायर पे गोली चलाई गई उनको रोकने के लिए तो एक गोली जो पीछे बैठे थे करण पांडे उनको लगी जिनकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। जो गाड़ी चला रहे थे मोटरसाइकिल पुनीत शर्मा उनका जो ब्लड टेस्ट है वो अल्कोहल पॉजिटिव आया और ये सब कार्रवाई इन बाइकर्स को रोकने के लिए की गई। और जो पुलिस पार्टी पे अटैक हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए हुआ है। कह रही है मैं रात को सवेरे मेरे पास 8 बजे फोन आया, बोली मैं बोली बहन क्या बात होगी, कह रही है रोती रोती बहन करण मर गया। ऐसे कैसे मर गया? तो कह रही है करण मर गया, बोली तू जल्दी से आ जा। मैं कौन से हॉस्पिटल में, बोली राम लोहिया में। मैं आई हूँ तो मैंने पूछा लड़का कहाँ है, कह रही है वो सोया पड़ा था। तो मुझे नहीं पता, माँ बेटे दोनों 11 बजे रात को सोए हैं, बोली वो अपने कमरे में लॉक लगा के सो गए, मैं अपने कमरे में लॉक लगा के सोई हूँ। सवेरे पुलिस वाले गए हैं कहते जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आप चलो हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा लड़का है वो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो भी हुआ गलत हुआ लड़के के साथ, जिसकी डेथ हुई है करण की वो भी अच्छा नहीं हुआ। मैं उसको नहीं जानती, हाँ पहले एक्सीडेंट बताया जा रहा था उसके बाद बता दिया कि डेथ हो गई है। सुबह 4:15 उसके किसी फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला कि पुनीत और करण, हमें तो तभी पता चला कि करण भी उसके साथ है, पुनीत और करण दोनों का एक्सीडेंट हो गया है तो आप वहाँ हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचे। और बाकी हमने ये न्यूज से ही जाना है कि इन पर फायरिंग वगैरह हुई है जो कि बहुत कानून ने कानून को तोड़ा है, बहुत बड़ा अपराध किया है और उस बच्चे के साथ बहुत अन्याय हुआ है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।